नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आप अपने पहले इनकम के साथ ही पहली पर्सनल फाइनेंसिंग का स्टेप क्या लेते हैं, वो होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। अब रिटायरमेंट प्लानिंग में भी आप सही तरीके से क्या फंड का चुनाव करते हैं, क्या आपको पता है कि एन्युटी प्लान जब आप लेंगे तो वाकई आपको इसका फायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एन्युटी प्लान में भी कई ऐसे विकल्प होते हैं जो कि शायद बहुत लोगों को इनके बारे में ना पता हो। तो ऐसे ही विकल्प के बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुकता है। हर्षवर्धन, आपका बहुत ही स्वागत है मनी गुरु में। इनफैक्ट रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी ऐसा एक टॉपिक है जो कि हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके कई एस्पेक्ट्स हैं इनफैक्ट हर्षवर्धन, जो कि जितने बार भी करें वो शायद कवर ना हो पाए, जिसमें से एक एन्युटी प्लान है। सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब एक्चुअली अपने जो पैसे हैं घर में रखे भी या सोचा भी नहीं होगा कि कहाँ पर इसको इन्वेस्ट करें, अब वो किसी ना किसी फंड या प्रोडक्ट में उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सबसे पहले टू स्टार्ट विद, ऐसे प्रेजेंट सिनेरियो में व्हेन द एक्चुअली होल इकोनॉमी एंड डायनेमिक्स आर चेंजिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? वैसे स्वाति, आपने सही कहा कि अगर हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो पहली चीज़ आपको करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आपको रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है लोग जब नई नौकरी लगती है या जब कमाने लगते हैं वो रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि यू नो नेचुरल सी बात है, क्योंकि अभी अभी आपने काम शुरू किया, आप 25 साल के हैं तो यू नो इतना लंबा नज़रिया नहीं रहता है। लेकिन अगर हम एक सिंपल कैलकुलेशंस देखें या एक प्लानिंग की बात करें तो अगर आप उसी समय अपनी प्लानिंग शुरू करते हैं तो आपके लिए वो जर्नी बहुत आराम हो जाती है। अगर आप 40s या 50s में आकर रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जहां तक हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी ना प्रोडक्ट में निवेश करने का, इसमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम रिटायरमेंट जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आपके पास एक इंश्योरेंस कंपनीज आपको रिटायरमेंट पेंशन पॉलिसीज ऑफर करती हैं। NPS एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है अभी अगर हम रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहे हैं। कंपनीज एम्प्लॉयर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनके एम्प्लॉयर्स एक सुपर एनुएशन फंड मेंटेन करते हैं जो वो यू नो कोई भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम पे उनके हाथ में देते हैं। सो ऐसे तीन तरीके हैं जिससे आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट के जरिए। अब ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप जब पेंशन पॉलिसी या रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहे हैं या सुपर एनुएशन फंड की बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि एक पीरियड होता है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, ये हो गया इसका ना। अगर हम दो स्टेजेस की बात करते हैं तो पहला स्टेज ये है कि डिफरमेंट पीरियड होता है, वो ये पीरियड है जब आप एक अपने प्रोडक्ट में निवेश कर रहे हैं। सो आपकी जो वर्किंग लाइफ है, मान लीजिए 25 ईयर्स से आपका शुरू हुआ है, आप 60 में रिटायर होते हैं, सो 25 to 60 जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो एक डिफरमेंट पीरियड कहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट फेज है, उसमें आप रेगुलरली निवेश कर रहे हैं। अब निवेश करते वक्त आपको चॉइस दी जाती है कि आपको ना एक पोर्शन इक्विटी में चाहिए, कि आपको पूरा डेट में चाहिए या पूरा इक्विटी में चाहिए, ऐसे आपको अलग अलग फंड ऑप्शंस दिए जाते हैं। मान लीजिए आप NPS में निवेश कर रहे हैं तो NPS में आपके जब इन्वेस्ट करते हैं आप, उसमें आपको तीन ऑप्शन दिए जा रहे हैं। एक है स्कीम ई, स्कीम सी और स्कीम जी। बेसिकली ई ये है जिसमें इक्विटी का कंपोनेंट है, सी जो है उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है, और जी जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। ऑलराइट, तो एक आपने स्टेज की बात की, डेफरमेंट पीरियड है। अब नाउ कमिंग टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ, क्योंकि हम एन्युइटी के यहाँ पर बात कर रहे हैं, कई लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है कि कौन सा ऑप्शन उन्हें चूज करना चाहिए। अब जब उन्होंने एक रिटायरमेंट प्लान लिया ऑन रिटायरिंग, देन क्या वो सही उनको रिटर्न मिलेगा, क्या इनकम जो वो चाहते हैं उससे ऑन चूजिंग अ राइट एन्युइटी, तो वो एक्चुअली वो किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है और कैसे उसका चुनाव किया जाए? एब्सोल्युटली, तो पहला स्टेज हमने बात किया जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिटायरमेंट के टाइम पे आपका ये जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कॉर्पस बन जाता है, एक उसे हम वेस्टेड अमाउंट कहते हैं, इन टेक्निकल पार्लांस उसे वेस्टेड अमाउंट कहते हैं। अब आपके पास चॉइस होता है कि इस वेस्टेड अमाउंट में से आप एक पोर्शन निकाल सकते हैं। अगर हम पेंशन पॉलिसीज की बात कर रहे हैं तो उसमें आप 1/3
लमसम के रूप में निकाल सकते हैं। एनपीएस की बात कर रहे हैं तो 60 की उम्र में आप 60% तक निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए 10 लाख रुपए आपका इकट्ठा हुआ है तो आप 1/3 अगर निकालते हैं 3 लाख रुपए आप लमसम के तौर पे ले सकते हैं, और जो बैलेंस अमाउंट है वो अमाउंट आपको एक IRDA लाइसेंस्ड इंश्योरेंस कंपनी के साथ में एक इमीडिएट एन्युटी प्लान खरीदना है। सो दो पीरियड है, एक है जमा करने का पीरियड और एक है दूसरा वापस लेने का। तो हम वापस लेने का जो पीरियड बात कर रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली आज एक डिस्कशन का पॉइंट है। वो ये है कि आपने जो बैलेंस अमाउंट आपने एक इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीदी है, जब आप वो खरीदते हैं तो उस समय आपको किस तरह से पेंशन चाहिए वो ऑप्शंस आपको वही फॉर्म में टिक मार्क करके देने हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदना है। तो अगर हम एक उदाहरण लेते हैं एक्चुअल फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ में, मान लीजिए एक इंसान है जो 60 की उम्र में रिटायर हुए हैं, कंपनी ने या उनकी खुद की पेंशन पॉलिसी है या NPS है, इनमें उनके पास चॉइस है, इनका जो कॉर्पस इकट्ठा हुआ है वो करीबन 30 लाख रुपया हुआ है। अगर 30 लाख रुपये में से वो चूज़ करते हैं कि 1/3 उन्हें विड्रॉ करना है, सो 10 लाख रुपए वो विड्रॉ कर लेते हैं जो उन्हें लमसम उसी समय 60 की उम्र में मिल जाएगा। बाकी का जो 20 लाख रुपया है वो कंपल्सरीली आपको एक इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीदनी है एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास। अभी आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये 20 लाख रुपया मैं एक सिंगल पेमेंट के रूप में आपको दे रहा हूं और इसके एवज में मुझे पेंशन चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछेगी आपको पेंशन किस तरह से चाहिए, वो आपको ऑप्शंस देंगी। अगर हम ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो पहला ऑप्शन वो ये है कि आपने 20 लाख रुपए दिए हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको अभी एक पेंशन के रूप में आपको एक कम्युनिकेशन देगी, तो उसमें पहला ऑप्शन अगर हम बात करते हैं तो वो है पेंशन फॉर लाइफ, विच मींस और कुछ नहीं है, आपने 20 लाख रुपए दिए एज अ परचेज प्राइस, आपने एक पेंशन पॉलिसी खरीदी है 20 लाख रुपए देके, इमीडिएट एन्युटी पॉलिसी खरीदी है, 20 लाख रुपए आपने दिए हैं, इसी 20 लाख के सामने इंश्योरेंस कंपनी आपको हर महीने का, एक उदाहरण है तो एक्चुअल अमाउंट समझ जाएगा लेकिन एक समझने के लिए हम कंपेरेबल अमाउंट्स दे रहे हैं जिसमें आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या होता है। अगर हम बात कर रहे हैं 20 लाख रुपए देने की, इसके सामने आपको मिलेगा 17,500 रुपए हर महीने का। सो बेसिकली आपने 20 लाख रुपए दिए हैं, हर महीने आपके पेंशन शुरू होगा वो है 17,500 रुपीज पर मंथ। अब आगे जाते हुए मान लीजिए 5 साल बाद ये 60 साल की उम्र के जो इंसान है इनकी 5 साल बाद ही अगर मृत्यु हो जाती है तो पेंशन उसके बाद बंद हो जाता है पेंशन, क्योंकि आपको पेंशन फॉर लाइफ है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको पेंशन मिलेगा। तो ये पहला ऑप्शन है जिसमें हाईएस्ट पेंशन अमाउंट आता है वो है 17,500 रुपीज पर मंथ अगर आपने 20 लाख दिया है। जैसे मैंने कहा कि ये एक एस्टिमेट फिगर्स है एक एग्जाम्पल समझने के हिसाब से, अगर आप 80 या 90 उम्र के साल की उम्र तक रहते हैं तो पूरी जिंदगी आपको 17,500 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो बेसिकली आज सजेस्ट नेम्स रेज ये पेंशन फॉर लाइफ है जिसमें आपने एक एग्जाम्पल देखिए जिस 20 लाख का अमाउंट जो आपने चूज किया इस ऑप्शन के अंडर, और इसमें 17,500 रुपए प्रति माह आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा टिल द टाइम अ पर्सन लिव्स। ऑलराइट, अब इसके कुछ अगर हम क्योंकि डेफिनेटली एन्युइटी में इस टाइम पे जब आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए होता है आप उसके फायदे और नुकसान के बारे में भी सोचते हैं, तो इफ़ यू टॉक अबाउट सर्टेन बेनिफिट्स और अगर कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं या ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जहां पर आपको लगता है फाइन दिस ऑप्शन इज नॉट गुड फॉर मी, वो कैसे पता किया जाए? वेल, इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि कई बार लोगों को मन में आता है कि आपने 20 लाख रुपए दिए हैं, आपको पेंशन आ रहा है 17,500 रुपया पर मंथ, ये पेंशन अमाउंट तब तक मिलेगी जब तक आप जीवित हैं, कोई कारण से जैसे मैंने कहा कि 5 साल बाद ही जो रिटायरी है जो एन्युटेंट है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो आपको पेंशन, आपने 20 लाख रुपए दिए लेकिन आपको 17,500 रुपया हर महीने के हिसाब से सिर्फ 5 साल के लिए मिला, तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि 20 लाख मैंने दिए थे मुझे उतना भी वापस नहीं आया और आपके परिवार किसी को मिलता नहीं कुछ भी। अगर आप 80-90 की उम्र तक रह गए जी गए तो आपको वही अमाउंट पूरी ज़िंदगी भर मिलते रहेगा। तो एक ड्रॉबैक ये है कि पैसे वापस 20 लाख रुपए पूरे वापस आते नहीं हैं, तो एन्युटेंट को लगता है कि उन्हें एक्चुअली जितना फ़ायदा मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। एडवांटेज इसका ये है कि अगर हम बाकी पेंशन ऑप्शंस में से कंपेयर करते हैं तो ये सबसे हाईएस्ट अमाउंट है जो आपको पेंशन के रूप में दिया जाता है ये पर्टिकुलर ऑप्शन में। ऑल राइट, तो पेंशन फॉर लाइफ ऑप्शन की तो बात की, हाईएस्ट अमाउंट इसमें मिलता है। अब सेकंड अगर ऑप्शन की बात की जाए तो वो कैसे डिटरमिन किया जाए? इनफैक्ट सेम क्वेश्चन गोज फॉर दिस ऑल्सो, हाउ डू वी नो कि हाँ ये ऑप्शन हमारे बेस्ट है? वेल, अगर हम एक दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं वो ये है कि आपको एक गारंटीड अमाउंट पीरियड के लिए पेंशन कंफर्म किया जाएगा
क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि कभी भी मेरी मृत्यु अगर हो गई और पेंशन उस समय से ही बंद हो गया तो उसके फायदे आपको नहीं मिलते। तो आपके पास एक ऑप्शन और है, कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप एक पीरियड चूज कर लीजिए, 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो या 20 साल हो। कंपनी इतने पीरियड तक, मान लीजिए आपने 10 साल का ऑप्शन चूज किया, सो 10 साल तक पेंशन जरूर दिया जाएगा, किसी ना किसी को दिया जाएगा। जब तक आप जीवित हैं आपको मिलेगा, आप नहीं हैं तो आपके नॉमिनी को मिलेगा, और अगर आप 10 साल के ऊपर जी गए तो आपको मिलेगा जब तक आप जीवित हैं। अगर हम यही उदाहरण लेते हैं, यही 20 लाख रुपए हमने कंपनी को दिए और ये वाला ऑप्शन चूज किया जिसमें 10 साल तक पेंशन गारंटीड है, तो ये क्योंकि एक पीरियड गारंटीड है, आपको जैसे मैंने कहा कि 17,500 वाज द हाईएस्ट नो स्लैब जो पहला ऑप्शन में था, इसमें नेचुरली थोड़ा कम मिलेगा आपको, तो ये अगर ऑप्शन चूज करते हैं यही एग्जाम्पल के साथ में तो आपको 16,600 रुपये पर महीने, हर महीने के मिलेंगे। लेकिन इसमें यह है कि यही एग्जाम्पल में अगर 65 इयर्स की उम्र में अगर एन्यूटेंट की डेथ हो जाती है तो भी अगले 5 साल तक ये 16,600 रुपये उनके नॉमिनी को कंटिन्यू रहेगा मिलना। सो इसमें आपको ये श्योरिटी होती है कि 10 साल तक पेमेंट जरूर आने वाला है, या तो मुझे मिलेगा या तो मेरे नॉमिनी को मिलेगा। और अगर मैं 10 साल के ऊपर जी गया, सो 60 में रिटायरमेंट हुआ था, अगर मैं 70 से ज्यादा जी गया तो जब तक मैं जीवित हूँ आपको 16,600 आते रहेगा आपके हाथ में। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें ऐसे लगता है कि 20 लाख देने के बाद भी मुझे पेंशन कम से कम एक मिनिमम 10 साल तक तो मिलना चाहिए, मुझे नहीं तो मेरे किसी नॉमिनी को मिलना चाहिए। और नॉमिनी रखने के क्राइटेरिया हर्षवर्धन इसमें क्या होता है कि आपको 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 या 20 साल, राइट? नॉमिनी रखने के क्या क्राइटेरिया होता है? आपने आपको स्पाउस को ही रखना है, किसी को भी रख सकते हैं, हाउ डज इट वर्क? अगर ये वाला ऑप्शन हम बात कर रहे हैं तो आप नॉमिनी अपने स्पाउस को कर सकते हैं या आप अपने बच्चों को भी कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको अपने स्पाउस को ही करना है, आप किसी को भी नॉमिनी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि 10 साल की पॉलिसी है और आपने 65 में अगर कुछ हो जाता है, 5 साल बाद कुछ हो जाता है तो आपके नॉमिनी को मिलना चालू हो जाएगा। अगर नॉमिनी को और 1 या 2 साल में कुछ हो गया तो उनके नॉमिनी को भी मिलेगा। तो 10 साल तक इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करेगी, वो गारंटीड है, किसी ना किसी को, नॉमिनी के नॉमिनी को भी चलते रहेगा ये चीज़, 10 साल तक गारंटीड है, उसके आगे आप जीते हैं तो आपके हाथ में आ जाती है। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू थर्ड ऑप्शन, क्योंकि 2 ऑप्शन की हमने बात की है यहाँ पर, जिसमें डेफिनेटली पेंशन फॉर लाइफ है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको इसमें पर मंथ मिलता है 70,500, देन कम्स एन्युटी गारंटी जिसमें सर्टन पीरियड, जिसमें आपने 5, 10, 15 to 20 years आपने मेंशन किया, 60,600 इस ऑप्शन में पर मंथ आपको मिलता है पेमेंट। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन कैसे वर्क करता है, किन लोगों के लिए बेटर विकल्प होता है? अगर हम थर्ड एक और ऑप्शन की बात करते हैं वो होता है इंक्रीजिंग पेंशन। तो विच मीन्स कि हम ये ध्यान में, कई बार लोगों को होता है कि जो पेंशन आज की तारीख में मिल रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे खर्चे, क्योंकि खर्चे बढ़ते रहते हैं, तो एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें पेंशन हर साल का बढ़ता है, लेकिन वो जो रेट है जिसमें बढ़ता है वो होता है 3% पर एनम, वो भी सिंपल इंटरेस्ट बेसिस पे कैलकुलेट होता है। तो अगर आपने ये वाला पर्टिकुलर ऑप्शन लिया है तो इसमें आपने 20 लाख रुपए दिए हैं, हर महीने का आपको एक पर्टिकुलर पेंशन आएगा जो इस पर्टिकुलर ऑप्शन में होता है 14,800 रुपए। तो नेचुरली क्योंकि एक फायदा बढ़ते जाता है तो आपका पर मंथ जो अमाउंट है वो कम होगा। सो ये इंक्रीजिंग पेंशन जो 3% हर साल से इंक्रीज होता है, उसमें शुरुआत होती है 14,800 रुपए से, और अगले साल आपका ये पेंशन 3% से बढ़ जाएगा, तो अगले सेकेंड ईयर में ये पेंशन हो जाता है 15,244, सो 15,244 हो जाता है। तीसरे साल वापस 3% से बढ़ेगा, लेकिन वो 3% आपको 14,800 पे ही कैलकुलेट होगा, तो उसके बेसिस पे आपका हो जाता है 15,688। तो इस प्रकार हर साल आपका पेंशन 3-3% से बढ़ते रहेगा, और ये उन्हीं के लिए लागू होता है जो समझते हैं कि आज की तारीख में 14,000 से काम हो जाएगा, लेकिन आगे 10 साल, 15 साल बाद क्योंकि खर्चे बढ़ते हैं तो मुझे इन्फ्लेशन एडजस्टेड मिलना चाहिए। तो टेक्निकली इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 4-3% से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एस्केलेटिंग पेंशन होता है कि हर 3% से हर साल वो इंक्रीज होते रहेगा। तो एक ऑप्शन है, जिनको सूट करता है वो ले लें, जिनको नहीं सूट करता है वो उसे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट ये है कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास कम से कम 5 choices हैं जिसमें से आप अपना एन्युटी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और डिमाइस होने पर इसमें भी नॉमिनी को एक सर्टन अमाउंट जाएगा, वो ऑप्शन इसमें है कि नहीं है? अगेन बाकी जो ऑप्शंस की तरह इसमें भी एक क्वेश्चन ये अराइज होता है हर्षवर्धन। जी नहीं, अगर हम बात कर रहे हैं, दो पहलू होते हैं, एक है जो आपके परचेस प्राइस है, जो आपने 20 लाख रुपए दिए हैं वो 20 लाख रुपए कब वापस आएंगे, वो एक ऑप्शन, एक जो नॉमिनी का इन्वॉल्वमेंट होता है।
दूसरा जो इन्वॉल्वमेंट नॉमिनी का है वो गारंटीड पीरियड पेंशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमको मालूम है कि 10 साल तक पेंशन आना है या 15 साल तक आना है, नॉमिनी वही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर वो गारंटीड पीरियड के पहले एनिटेंट की अगर डेथ होती है तभी नॉमिनी को पेंशन मिलेगा, लेकिन वो 20 लाख रुपए वापस नहीं आते हैं। सो ये वाले पर्टिकुलर केस में भी जब तक आप जीवित हैं आपको पेंशन आ रही है, जब आपको कुछ हो जाता है नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आपका रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस नहीं है, ये 20 लाख वापस नहीं दिया जाएगा, ना ही इसमें गारंटीड था कि कोई भी पीरियड में आपको पेंशन जैसे 10 साल तक आनी है। तो इसमें जब तक आप जीवित हैं 3% से पेंशन बढ़ती रहेगी, दैट्स ऑल। अगर एनिटेंट को जब कुछ हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं बंद हो जाता है, आगे कोई बेनिफिट किसी को नहीं दिया जाता।